गुरुजी को शत शत प्रणाम। गुरुजी की संगत को बहुत बहुत धन्यवाद, और पहले तो अभिनंदन और फिर धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं। संगत के रूप में गुरुजी को मैं यहाँ अपने पास पा रही हूँ। संगत में ही गुरुजी बसते हैं। इतनी कृपा है गुरुजी की हम पर, और आज उनकी मेहर से हम सब यहाँ एक परिवार इकट्ठे हुए हैं। जब मैं गुरुजी के पास आई तो मैं बहुत ही हर तरह से टूटी हुई थी। जिस तरह आपको ये बगिया गुरुजी की एकदम फूलों से भरी हुई नजर आ रही है, उसी तरह मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत ही सुंदर बगिया, शायद अपनी जान देकर भी इंसान अपनी बेटी के लिए नहीं पा सकता, उन्होंने ढूंढी। बगिया के माली बहुत ही अच्छे। उस बगिया में एक बहुत ही सुंदर गमला, संजीव जी मेरे पति, मगर अभी कच्चे थे, जिंदगी की सच्चाइयों को नहीं समझते थे। वक्त के साथ हमें ये पता चला कि माली तो बहुत अच्छे हैं, जो मेरे फादर इन लॉ थे, बट वो बहुत अकेले थे। उन्होंने अपनी उस बगिया के अंदर बहुत से लोगों को घोंसला बनाने दिया, बहुत सी नेमतें लोगों के ऊपर करने की कोशिश की कि ये मेरा परिवार खुश रहे, फले फूले, मगर पता चला कि वो घोंसले के अंदर जो उन्होंने पंछी बसाए थे कि ये मेरी बगिया में रौनक लाएंगे, मेरे गमले का जो, और जो इस गमले में ये फूल, नाजुक सा फूल हमने मिलके लगाया है, उसके हरे भरे होने में ये सब सहयोग देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस घोंसले के अंदर कोई पंछी नहीं थे, दरिंदे थे, भेड़िए थे, रिश्तेदार दोस्त, काम के लोगों के नाते। उन्होंने हमारी हरी पूरी बगिया को बिल्कुल खत्म कर दिया। एकदम ऐसे कर दिया जैसे कि राजा से रंक हो जाते हो। बिल्कुल टूट चुके थे एकदम। करीब आप कह सकते हैं कि 16-17 साल का सफर मेरा नरक से भी बदतर निकला। कहने को सब कुछ था मगर शांति नहीं थी। हर इंसान मेरी तरफ या मेरे पति की तरफ या मेरे घर की तरफ सिर्फ ये देखता था कि इसको कहाँ से नोचे, कौन सा ऐसा हिस्सा है इनके शरीर का, इनके काम का, इनकी आत्मा का, जिसको हम इतना इतना कलेश दें कि ये अपनी इस दुनिया से चले जाएं। परमात्मा की दया से दो छोटे छोटे बच्चे इस बगिया में आए, सब कुछ लुटा के। जब हम बिल्कुल थक टूट गए, इसी सड़क के ऊपर मैं और संजीव जी परमात्मा को ऐसे देखते थे, हे परमात्मा, हमें अपने साक्षात रूप में नजर आओ। हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया है कि हर इंसान हमारे लिए दुश्मनी का ही रूप लेता है। हमारा सब कुछ चला गया, हमें मनुष्य रूप में दर्शन दो, हमें हम उनको छू सके, बात कर सके, हमें शक्ति चाहिए। नहीं तो ये जो दो छोटे छोटे फूल हैं, कलियां, ये तो खत्म हो जाएंगी। और इस तरह हम गुरुजी की बगिया में पहुंचे। वहां पे बहुत से टूटे हुए गमले और बहुत से ही मुरझाए हुए फूल खिलखिलाते हुए नजर आए। पहले ही दिन मुझे ये लगा कि मैं बिल्कुल ऐसे परमात्मा के दरबार में आ गई हूं। अब यहां से मुझे कोई नहीं छेड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप ये देखिए कि वक्त के साथ जिस लड़की के अंदर एकदम ऐसे हो गया था कि मैंने क्या कर दिया, कौन से कोने में जाके छुप जाऊं, मर जाऊं, क्या करूं, जिस इंसान के लड़के के दिल में ये था कि मैं अपना परिवार कैसे पालूं, क्या करूं मैं,
गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया, जितनी हमारी जिंदगी में कलेश थे उन्होंने ऐसे हाथ रख दिया, और पहले ही दिन उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा ऐश कर। मैंने जब भी गुरुजी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा यही कहा, पूछा ना कर, पूछा ना कर, जा ऐश कर, ब्लेस किता। और इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, हमारी लाइफ जो बिल्कुल नेगेटिव ट्रैक पे थी एकदम पॉजिटिव ट्रैक पे आई। बीच में दौर ऐसा आया जब हम गुरुजी के पास आए कि हमें लगता था कि जैसे धोबी घाट के ऊपर कपड़े को पीटा जा रहा है, और टाइट हो रहा है स्क्रू, और टाइट हो रहा है स्क्रू। बट हम हमेशा गुरुजी को यही कहते थे, गुरुजी हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आप हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, हमें मंजूर है, मगर हम उस दुनिया में अब नहीं जाना चाहते जहां सिर्फ ढोंग है। इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड दिया उन्होंने, मेरे अंदर जितनी नेगेटिव फीलिंग्स थी, जितनी परेशानी थी, जिन जिन लोगों को लेके मेरे दिल में एक क्रोध भी था, एक घृणा भी थी कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो गुरुजी ने बिल्कुल मेरे अंदर से भाव को शांत कर दिया। और मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को देख सकूं। संगत के रूप में परिवार दिया है, हरा भरा परिवार, जहां हम सब मिलके खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये सबसे बड़ा सत्संग है मेरे जीवन का, और ये मेरा दूसरा जन्म है जो गुरुजी ने मुझे दिया है। उसके साथ मेरे बेटे का सत्संग है, उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही छोटा पहले पैच था जब वो हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो काफी बड़ा हो गया। उसके अंदर से खून रिसता था। डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज कराया, सब कुछ किया, तो सबने बोला कि नहीं, दवाइयाँ भी दी, सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने बोला कि इसको स्टीरॉइड्स पे डालना पड़ेगा। कोई कुछ बोलता था स्किन की एलर्जी है, कोई कहता था एक्जिमा है। तो एक दिन मेरे को प्रांशु ने बोला, मम्मा कुछ नहीं है, आप मुझे गुरुजी के दरबार में लंगर के लिए ले चलो। मैंने कहा, बेटा एम्पायर स्टेट में बच्चों को जाना अलाउड नहीं है। नहीं, आप मुझे ले चलो। और उस वक्त इसका गाल एकदम खून से ऐसे बह रहा था। मैं इसको लेके गई, गुरुजी के आशीर्वाद से वहां मत्था टेका, और इसको लंगर करने के लिए बिल्कुल एम्पायर स्टेट में, जहाँ गुरुजी का कमरा था, गुरुजी की गद्दी के एकदम सामने, इसको वहां पे गुरुजी ने बिठाया, इसने लंगर किया। जो बच्चा आधा फुल्का नहीं खाता था, उसने उस दिन 3 फुल्के खाए, प्रसाद ग्रहण करा, गुरुजी से आज्ञा ली, घर तक आए, वो खून रिसना बंद हो गया। अगले दिन सुबह तक वो पैच सूख गया, और आज इतने सालों में वो मुझे कभी नजर नहीं आया। ये सिर्फ गुरुजी की नेमत है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया। संजीव जी को गुरुजी ने बहुत शक्ति दी कि तेरा कोई नहीं बना, कोई बात नहीं, अब तू मेरे पास है, मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ। उनको जो जिस तरीके से वो अपने काम को चलाना चाहते थे, धीरे धीरे गुरुजी उनको उस ट्रैक पे ले आए हैं। बस गुरुजी से यही विनती है कि हम सबको इसी तरह अपने साथ अपने चरणों में जोड़े रखें, सबकी बगिया इसी तरह खिलखिलाती रहे। उजड़ी हुई बगिया अच्छी नहीं लगती, इसलिए गुरुजी हम सब पर मेहर करना। बस सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा च उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी। जय गुरु जी।